लुधियाना के एक स्थानीय होटल में दो रोजा प्रीमियर स्कूल एग्जीबिशन लगाई गई, जिसमें भारत के अलग अलग स्थानों से 20 स्कूलों ने भाग लिया। पहले तो बात है कि लुधियाना के पेरेंट्स में हमेशा उत्साह देखा गया है, इसी कारण से 12th ईयर हम लोग यहाँ पे हैं। तो कल काफ़ी अच्छे नंबर्स में पेरेंट्स अटेंड किए एग्जीबिशन को, और लोकल स्कूल्स लुधियाना के स्कूल्स के साथ साथ जो इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल के साथ पे काफ़ी अच्छा एंगेजमेंट रहा। थैंक यू फॉर आस्किंग मी। हमारा स्कूल जो है वो नाहन शिमला हाईवे पे है, तो यहाँ से परवानों से 2 घंटे का रास्ता है फॉर लुधियाना और पंजाब रेजिडेंट्स। हमारे स्कूल की खासियत ये है कि हमारा ऐसा एकमात्र स्कूल होगा पूरे इंडिया में जो 100% इंटरनेशनल 100% बोर्डिंग है। ज़्यादातर स्कूल बीच में CBSE ICSE डालते हैं या डे बोर्डर डालते हैं या डे स्कूल बनाते हैं। हमने इंटेंशनली स्कूल को ऐसा रखा है कि सिर्फ इंटरनेशनल स्कूल हो और सिर्फ हॉस्टल हो। बात करें जिस तरह आज एग्जीबिशन कम सेल जो स्कूल लगाई जाती है, इस उस केस में जो सेल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? देखिए, हम खासकर मैं अपनी बात कर सकता हूँ, हम नया स्कूल हैं, हमने अभी इस साल सेटअप किया है, तो हम चाहते हैं पेरेंट्स को हमारे बारे में पता लगे। तो बहुत सारे मीडियम होते हैं, अखबार में ऐड दे सकते हैं, टीवी में ऐड दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। ये एक मीडियम है हमारे लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को बता सकें अपने स्कूल के बारे में। आपको कितना फायदा है? इमीडिएट फायदा तो कोई नहीं होता है, वो कोई बात नहीं, बट सी एजुकेशन जो है और वैसे भी एक लॉन्ग टर्म में होता है, ब्रांड बिल्डिंग इज अ लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज। तो ये कहना कि भाई इमीडिएटली क्योंकि हम आए हैं तो इमीडिएटली हमें कोई ऐसा रिजल्ट आए कि उसमें एडमिशन्स हो, प्रॉब्ली वो आइडिया भी नहीं है हमारा। वी वॉन्ट टू गेट, हमारे स्कूल के 6 लाख रुपए फीस है साल की, जो सब कुछ मिला के खाना पीना रहना और जो इंटरनेशनल बुक्स कॉपी सब हमारी होगी। अगर आप बात करते जिस तरह राइट टू सर्विस एक्ट में आप बच्चों को देखते होंगे तो सरकार की तरफ से भी नियम बनाए गए राइट टू सर्विस एक्ट को लेकर, क्या आपके स्कूल में भी कोई प्रभावन? आई एम नॉट श्योर, मैं समझा नहीं इस क्वेश्चन को। राइट टू एजुकेशन, RTE के अंदर बोर्डिंग स्कूल नहीं आते वैसे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया हुआ है, रेजिडेंशियल स्कूल नहीं आते हैं। तो कैसा एनवायरनमेंट वहाँ का रहेगा? हाँ जी हाँ, तो हमारा जो आपने मैं 5 रीजन आपको दे सकता हूँ। पहला जो मैंने बताया इंटरनेशनल और बोर्डिंग स्कूल 100%। दूसरा, हम सब IIS IIT IIM जो भारत में और दुनिया में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, हम वहाँ के खुद पढ़े हुए हैं। अगर हम पढ़े हुए हैं तो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नॉर्मली स्कूल्स जो होते हैं उसमें ओनर्स ऐसे होते हैं जिनको खुद पढ़ाई से ज़्यादातर लेना देना नहीं होता। हम खुद इतना पढ़े लिखे हैं कि हम जब बात करते हैं, हम सोचते हैं बच्चों के बारे में, हम एकेडमिक्स की जब चिंता करते हैं तो इट इज़ रियल। दूसरा, तीसरा, हम में से आधे हम एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। आदमी कहता है कि बच्चों में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होनी चाहिए, उसको थिंकर होना चाहिए, उसको अच्छा होना चाहिए, लेकिन कैसे करें उसको जब खुद ही हमने कुछ नहीं किया है, हम एंटरप्रेन्योर नहीं है, मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप कैसे सिखाऊंगा? हम वो स्कूल हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप सिखा सकते हैं। चौथा, एनवायरनमेंट, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की डेट में गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली ने इतनी भारी रिसर्च की है जो कहती है कि आजकल कैंसर, लंग कैंसर के केसेस 20 साल की उम्र में है बच्चों में, 20 साल कैंसर को म्यूटेट होके आने में लगते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि 20 साल में एक इंसान को कैंसर हो रहा है? इसका सिंपल और स्ट्रेट कोरिलेशन आज की एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन वगैरह से है। देयर आर मेंटल इलनेसेस इन चिल्ड्रन, आधे से ज़्यादा बच्चे हमारे परेशान हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट है आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल पहाड़ और जंगलों में हम, वहाँ पे जीरो पोल्यूशन है, जीरो। हमारे पास एक पानी का झरना बहता है जिसमें मिनरल वाटर जैसा पानी है। तो हम जो एनवायरनमेंट दे रहे हैं बच्चों को, मैं मजाक में कई बार बोलता हूँ, ना भी पढ़ाएं हम आपके बच्चे को इतनी ऑक्सीजन दे देंगे कि वो 5 साल में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन लेके आएगा, ताकि उसको लाइफ लॉन्ग बढ़िया और हेल्दी लिविंग रहे। दिस इज गुड फॉर ऑल द पेरेंट्स हु हैव सर्चिंग द फॉर देयर किड्स, एंड इट्स गुड, रियली गुड, बिकॉज आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं देखने के लिए, जो स्टडी वाइज कैसे हैं, प्लेइंग वाइज कैसे हैं, जो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ करें।